तो आया है हमारी किचन में ग्रीन ग्रीन पालक, और पालक भी ना बहुत ही अच्छा वाला है, मतलब एकदम वो कहते हैं ना बिल्कुल फ्रेश और एकदम क्लीन, इसमें कुछ भी वो नहीं है। फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा। चाहे थे पालक के, तो एक मैंने काट लिया, दाल का पालक बनाऊंगी। दूसरे को भी मैंने रहने दिया है क्योंकि उसका पालक पनीर बनाऊंगी। हर्षित को पालक पनीर पसंद है और इनको दाल का पालक पसंद है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे दाल डाल दी है छिलके वाली मूंग की, और साथ में पालक, थोड़ा सा पानी, हल्दी, नमक। और बस ढक्कन लगा करके सीटी ले लेंगे, 2 से 3 सीटी ले लूँगी। और ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पानीला पानीला सा होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। वैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी जो गैस है वो कैसी है, ऑटोमेटिक है या कैसी है। तो मेरी गैस जो है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन इसका ये एक वाला है ना वो खराब हुआ है। जब भी मैं इस वाले को जलाती हूँ तो मैं लाइटर से जलाती हूँ, और जब भी मैं इस वाले को जलाती हूँ तो ये अपने आप जल जाता है ऑटोमेटिक, और ये वाला भी ऑटोमेटिक जल जाता है। 3 बर्नर की गैस है, और मेरी है ना सूर्या की गैस है। आप मुझसे कई बार कंपनी में पूछते हो कि आपकी कौन सी कंपनी की गैस है, तो मेरी सूर्या की, सूर्या क्रिस्टल ये वाली कंपनी है, और 3 बर्नर की गैस है। तो जितने ज़्यादा बर्नर होते हैं ना उतनी अच्छी होती है गैस, और जैसे होता है कि ना स्लैब के अंदर ही लगी रहती है गैस, तो हम गैस बोलते हैं जिसे, तो वो गैस भी अच्छी होती है। मॉड्यूलर किचन होती है उसके अंदर सही रहता है, लेकिन जो ये इंडियन किचन है ना उसके अकॉर्डिंग ये वाली गैस ही ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि हब वाली जो होती है ना उसको क्लीन करने में बड़ी दिक्कत होती है, जैसे दूध वूध फैल जाए। भाई मेरा तो फैल जाता है तो इसलिए साफ करने में ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ये वाली गैस सही रहती है। इसको उठा करके साफ कर लिया, उसको साफ करने में बड़ी दिक्कत होती है, महीने में ही करो या फिर 15-20 दिन में ही करो, फैल गया तो बस ऊपर ऊपर से साफ हो पाती है, क्योंकि जो जो उसकी किनोरियाँ होती है ना जहाँ पर जैसे कटके पट्टी और फिर वो लगती है, तो फिर अगर दूध फैल गया है तो फिर जो उसकी जो होती हैं जॉइंट होते हैं उधर दूध भर जाता है, फिर वहाँ से कीड़े वगैरह होने का भी डर रहता है। तो फिर केमिकल्स का यूज़ करो, ये करो वो करो, उससे अच्छा है कि ये वाली गैस अच्छी है। 3 की जगह 4 बर्नर की हो तो और भी अच्छा है, वैसे तो 3 बर्नर की मेरे को काफी रहती है, इतना ही काम रहता है, इससे ज्यादा काम नहीं रहता। एक्चुअली कल दूध रखते समय दूध फैल गया था, इसलिए इसको निकाल करके और इसको धोया है। अब धो करके और अब पोंछ करके इसे फ्रिज में लगाऊंगी। इसलिए सही रहते हैं, ऐसे बिछा के रखो ना तो सही रहते हैं फ्रिज में। और यहाँ पर देखिए तिलड़ भी चल गई है, तो ये फ्रिज को तो बचा लेता है गंदा होने से। इस वाले पे बिछा रखा है, बस इनको तो मैं ऐसे ही साफ कर देती हूँ, डेली डेली पोंच देती हूँ। दूध ये रखी, ये वही चटनी हमेशा बना के ही रखती हूँ, चटनी तो मैं ये पीछे की साइड जाती है, लेकिन ज़्यादा कोई सामान नहीं रखती। मुझे ज़्यादा फ्रिज भरा भरा है ना अच्छा नहीं लगता। इसमें ऐसे सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं, उस दिन दिखाया था ना पूरा,
खाना हमारा हो गया था और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट भी कर लिया था। और अभी मैं यहाँ पे बाहर छत पे की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब से काम हुआ है ना तब से एक बार भी छत धुली नहीं है ना। झाड़ू तो मैंने कई बार लगाई है लेकिन मैंने धोई नहीं थी, और ये धुलाई मांग रही थी क्योंकि कितनी भी झाड़ू लगा लो उसके बाद में भी इसके अंदर शाइन नहीं आ रही थी, तो इसको धोना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा चलो आज इसको धो भी लेते हैं। इसलिए जब भी घर का काम स्टार्ट करो ना तो नाली की जो ढलान होती है ना उसका ध्यान रखना चाहिए। हमारी ये जो नाली है ना इसका ढलान बिल्कुल भी सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो कितना सारा पानी इकट्ठा हो गया है और ये कचरा जाए नहीं नाली के अंदर, इसलिए इस कचरे को मैंने इधर साइड में कर दिया है। और फिर पूरी छत को साफ़ करने के बाद में मैं वाइपर से सूत रही हूँ ताकि ना छत जो है वो जल्दी से सूख जाए। कल रावण भी जला था तो उसका भी निशान पड़ रहा है, धोया रिगड़ा साफ़ ही नहीं हुआ। चल रहा है नेट तो गया, नेट तो सब जगह चल रहा है, बस फेसबुक नहीं चलेगा। टर्बो फ्लेक्स 360 ये ना वॉश बेसिन 360 डिग्री पे है ना, चारों तरफ घुमा सकते हैं, मतलब ये होता है ना ऐसे। अब इसको लगाना कैसे लगेगा, यहाँ से लग जाएगा, यहाँ से लगेगा है? नहीं यहाँ से नहीं लगेगा, यहीं से लगेगा, यहाँ से लगेगा। अच्छा यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा और यहाँ से पानी निकलेगा। हाँ ये रहा ना, आधा लगाते हैं। नोजल क्या दो आते हैं इसमें, किसी टोटी कैसी हो, किसी कैसी हो, आ टोटी फटी जाती है। तो अभी तो इसमें तो एक ही है नीचे। खाने वाने से तो हम लोग फ्री हो गए हैं और अब थोड़ी सी रात को थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ। वैसे मैं डीप क्लीनिंग तो मॉर्निंग के टाइम में ही करती हूँ, लेकिन रात को भी है ना ये खाना बनाती हूँ तो चून वगैरह जो है वो गैस के ऊपर गिर जाता है, तो उसे क्लीन करके और फिर ही सोती हूँ, ऐसे नहीं सोती हूँ। और सारे जो भी बर्तन होते हैं रात की वो सारे क्लीन करके और फिर ही सोती हूँ, क्योंकि करने अपन को ही है, कोई दूसरा तो आएगा नहीं कि कहीं मेड लग रही है या कुछ और है। सुबह भी अपन को करना है, और फिर सुबह सुबह अगर किचन बेकार सी हो, गंदी सी दिखे और सिंक में ढेर सारे बर्तन दिखे तो फिर दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कुछ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस जो डिश सोप होता है उसी से ही गैस के ऊपर ना एक बार पहले साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, चून हटा लेती हूँ गीले कपड़े से, फिर उसके बाद में जो ये स्क्रबर से रिगड़ देती हूँ और उसके बाद में फिर वापस से कपड़ा धो करके और ऐसे साफ़ कर देती हूँ। एकदम शाइन बनी रहती है और बिल्कुल भी कुछ भी कीड़े वगैरह होने का बिल्कुल डर नहीं होता है, क्योंकि जो लाल कीड़े होते हैं ना वो डिश सोप से डरते हैं। और ये जो लाए थे ना ये इन्होंने लगा दिया है, और ये देखिए साफ़ करने में कितना मज़ा आ रहा है। बारिश दिखाती हूँ आपको, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। ये बारिश एक्चुअली रात को, संडे की रात को स्टार्ट हुई थी और मंडे को सुबह का टाइम है ये, और झमाझम इसी स्पीड से बारिश होती रही है और पूरा पानी भर गया था। मैंने थोड़ा झाड़ू से फिर नाली को थोड़ा सा क्लीन करा, उसके बाद में पूरा पानी गया, वरना ये पूरा पानी जो है वो अंदर आने वाला ही था। और पूरी रात ये ऐसे ही बारिश हुई है झमाझम, और पूरे मंडे वाले दिन पूरे दिन ये बारिश हुई है बिना रुके। ऐप से कह रही थी ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, दिवाली आने वाली है, लेकिन गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। लो एक ही बार में सारी गर्मी निकल गई और अब पूरी एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी आ गई है, और स्वेटर निकालने का मन कर रहा था आज तो। तो अब इस वीडियो को ना इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा प्लीज़ प्लीज़। और कॉमेंट में आप चाहें राधे राधे ही लिखें, लेकिन कॉमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरी भी आपसे जान पहचान हो, क्योंकि आप लोग तो मुझे देख लेते हैं और मुझसे
मतलब आप मुझसे ज्वाइंट हो जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कमेंट के थ्रू ही आप लोगों से जुड़ सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि चाहे आप राधे राधे ही लिखें, लेकिन आप कमेंट ज़रूर क्या कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते, राधे राधे, जय माता दी।